हिसार में सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी ने सोनाली फोगाट को मुखाग्नि दी। सोनाली के पिए और उसके दोस्त के गिरफ्तार हो जाने के बाद परिवार का कहना है कि वो गोवा पुलिस के एक्शन से अब संतुष्ट हैं। सोनाली फोगाट का परिवार अब तक की गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट लग रहा है। ये इस केस में एक अच्छी शुरुआत है जी, और हम बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे थे कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, और हमारी रिटन कंप्लेंट में यही था कि उनको कुछ खिला पिला के या जिस तरह जैसे भी है उनका मर्डर किया गया है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं, गोवा पुलिस प्रशासन अब कोऑपरेट करने लगा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सका होगा कि उनको जबरदस्ती सुधीर या सुखविंदर ने कुछ ऐसी चीज खिलाई हो या कुछ ऐसा केमिकल दिया हो, उनकी ड्रिंक में मिलाया हो या किसी पानी में मिला के उनको दिया हो, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई? हाँ बिल्कुल श्योर है जी, ये चीजें तो है ही, तभी तो उनकी जान गई है, वरना उस दिन करलिस में जो भी क्लब है, करलिस नाम है उसका, वहाँ और भी बहुत लोग थे, वहाँ और किसी की डेथ क्यों नहीं हुई, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक सब ये षड्यंत्र था, प्री प्लान था सब कुछ, और उसी के तहत उनका मर्डर हुआ। सोनाली के परिवार ने शक जताया था कि उनकी हत्या के पीछे प्रॉपर्टी पर कब्जा वजह हो सकती है। पुलिस ने भी ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया है। इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। भले ही सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिए जाने का खुलासा हो गया है, पर सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनकी मौत की वजह पता नहीं चली है। इसके लिए विसरा की केमिकल एनालिसिस का इंतजार करना होगा, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी या विसरा की रिपोर्ट आएगी, उसी से ही जो साइंटिफिक तथ्य है वो तो वही एस्टेब्लिश होगा। बट उसके बाद तफ्तीश में ये भी इमर्ज हो सकता है, जब आप किसी को पूछताछ करते हैं या वो बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने क्या लिया, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, उसमें जो आएगा उसके बाद भी इसमें कार्रवाई। सर, आर यू इन एनी पोजिशन टू confirm whether this lady, the victim, visited a casino as well, because the name of a prominent North Indian politician is also coming out saying ki shayad wo police tantra pe dabao dal rahe hain, do suspect hain unko giraftar nahi karne ki। Nahi, is tarah se aisi koi baat nahi hai, ye bilkul hi sarasar abhi galat hai। परिवार के मुताबिक 3 साल पहले सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली फोगाट के संपर्क में आए थे। धीरे धीरे सोनाली का भरोसा हासिल कर सुधीर सांगवान उनका पीए बन गया। वो सोनाली के हर मामले में दखल देने लगा। सोनाली सुधीर के लाए कागजातों पर बिना देखे ही दस्तखत कर देती थी। परिवार का आरोप है कि सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए सुधीर उन्हें काफी पहले से धीमा जहर दे रहा था। साथ ही परिवार ने सुनील सांगवान पर सोनाली का रेप करने और उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ मिलन शर्मा, हिसार आज तक।